जिस अस्पताल में नर्सिंग छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा में हुई सामूहिक नकल का मामला तुल पकड़ चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग कॉलेज संचालकों से लेकर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन तक को नोटिस थमा दिया है। इसके अलावा सिविल सर्जन ने अपने स्तर पर 5 सदस्यीय टीम गठित की है तो कलेक्टर ने भी इन परीक्षाओं व नकल की जाँच के लिए एक टीम बना दी है। इस दौरान इस घटनाक्रम के बाद रविवार छुट्टी के दिन CMHO के कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग के अफसर और कुछ नर्सिंग कॉलेज संचालकों की बैठक की गई। इस बैठक के बाद जब नर्सिंग कॉलेज संचालकों से पूछा कि आपका कॉलेज कहाँ है, वह मुंह फेर कर भागने लगे। पत्रकारों ने सबसे पहले मुरैना शहर में संचालित दाऊ हनुमान तहसील कॉलेज के संचालक डॉक्टर सुनील सेठ उमर से पूछा कि आपके कॉलेज की बिल्डिंग कहाँ है, उसमें कितने छात्र पढ़ते हैं और यह छात्र किन किन राज्यों के हैं। ये सवाल सुनकर डॉक्टर सुनील सेठ उमर मुंह फेर कर वहाँ से चल दिए। कई बार पूछने पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद जूरा में संचालित ओम शांति नर्सिंग कॉलेज के संचालक से पूछा कि उनका कॉलेज कहाँ है, तो पहले तो वह बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। पत्रकारों ने पीछा करते हुए पूछा तो बोले कि जोरों में पानी की टंकी के पास किराए की बिल्डिंग में उनका कॉलेज है, जबकि हकीकत यह है कि जोरा में पानी की टंकी के पास ऐसा कोई भवन है ही नहीं जहाँ नर्सिंग कॉलेज जैसा संस्थापन चल सके। इसके बाद उसने पूछा कि कितने छात्र हैं आपको कॉलेज में, तो बोले कि यह नहीं पता, रिकॉर्ड देखकर बनाना पड़ेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद गुप्ता ने इस बैठक में कहा कि उन्हें किसी भी स्तर में लिखित या मौखिक रूप से इस परीक्षा की जानकारी नहीं दी गई, इसलिए यह गफलत हो गई है। वहीं कॉलेज संचालकों के अनुसार इसकी जानकारी देना नर्सिंग के परीक्षा नियंत्रक की है, वहां से किसी को जानकारी नहीं दी गई। ये सामूहिक नकल का जो प्रकरण आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, ये नर्सिंग कॉलेज से संबंधित है। नर्सिंग कॉलेज की जो मान्यता होती है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है। जिला प्रशासन मुरैना के द्वारा सिर्फ हॉस्पिटल को मान्यता दी जाती है। जो मुझे ज्ञात है कि हमारे द्वारा 26 हॉस्पिटल को मान्यता दी गई है, जिनके पास 100 से अधिक बेड का अस्पताल है। जिन नर्सिंग कॉलेजों के पास अस्पताल नहीं होता वो जिला चिकित्सालय मुरैना में पर स्टूडेंट 5,000 रुपये जमा कर रोगी कल्याण समिति में ये फंड जमा होता है। उसके जब वो फंड जमा कर देते हैं तब सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय मुरैना के द्वारा क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए उस नर्सिंग कॉलेज को अस्पताल की सेवाएं लेने के लिए मान्यता दी जाती है। प्रैक्टिकल एग्जाम ना होती तो उसका जिला प्रशासन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये पूरी परीक्षा है चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है, जो मरीज है और मरीज का जो बेड है उसके पास रहकर ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी। बाहर कहीं पे भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकती है। और आपके द्वारा ये मेरे संज्ञान में लाया गया है तो जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते मैं इसकी जांच कराऊंगा और 15 दिन के अंदर जांच ख़त्म कर इससे जो भी नतीजे आएंगे उससे आपको अवगत कराऊंगा और इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी अस्पताल इनको दिए, इनकी जो भी अस्पताल दिए गए हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, इनकी मान्यता भी खत्म की जाएगी। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।